आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि एक सोनोमीटर वायर है जो अंडर टेंशन 128 न्यूटन वाइब्रेट करता है एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। मतलब सोनोमीटर वायर 128 न्यूटन के टेंशन में है और वो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा कहा गया है कि, और ये दिया गया है कि जो सोनोमीटर वायर का लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और उसका मास 1 ग्राम है। और ये दिया गया है कि अगर अपन ट्यूनिंग फॉर्क को 0.75 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कराएं तो जो ऑब्जर्वर है जो सोनोमीटर वायर के पास खड़ा है वो 1 बीट पर सेकंड सुनता है। तो अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालना है। तो अपन जानते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एफ, वो होता है एफ इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। वहाँ L इज द लेंथ ऑफ द वायर, T इज द टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर टी बाई एम एल। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि म्यू को एम बाई एल से लिखा और L को अंदर ले गए तो वो L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर से नीचे L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एम एल आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज, अपने को T पता है, M पता है, L पता है, तो ये हो जाएगा 128 10 to the power minus 3 into 2 into 10 to the power minus 1, तो ये हो जाएगा 400 हर्ट्ज। तो when the tuning fork is moved away from the observer standing near the sonometer at constant speed of 0.75 meter per second, the apparent frequency of the tuning fork, मतलब जो apparent frequency होता है tuning fork का जो कि observer को सुनाई देता है वो होता है F1 इक्वल टू Fs इंटू V बाई V प्लस 0.75। ये apparent frequency जो observer को वो सुनाई देता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया अपना Fs टाइम्स 1 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय V टू द पावर माइनस 1। इसको अपन बस कुछ नहीं किया, मैनिपुलेट कर दिया है, इसी एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करके यहाँ पे ले आए। तो अगर इसको अपन बाइनोमियली एक्सपैंड कर दें और हायर ऑर्डर्स के टर्म्स नेग्लेक्ट कर दें तो ये अपना बन जाता है Fs इंटू 1 माइनस 0.75 बाई वी। ये इसको बाइनोमियल एक्सपैंड करने पर यही आता है। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं ये हो जाता है F1 इज इक्वल्स टू Fs इंटू 1 माइनस 0.75 टू वी। तो Fs माइनस F1 यहाँ से अपने को आ गया, ये हो जाएगा 0.75 वी। और ये अपने को दे रखा है, ये क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अपने को बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये अपने को दे रखा है वन, ये अपने को यहाँ दे रखा है 1 बीट पर सेकंड ये। तो अपन डेल्टा एफ के जगह है 1 बीट पर सेकंड लिख देंगे तो यहाँ से अपना एफ एस, ये बेसिकली यहाँ एफ एस होगा। तो अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से अपना V का वैल्यू आ गया 0.75 टाइम्स Fs, ये हो गया अपना करीब 300 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, यही अपना आंसर हो गया। एक्चुअली यही Fs है, दिस वन इज Fs, Fs इज इक्वल टू 1/2L। Fs अपने आप अपने को यहां से पुट करना है तो ये अपना आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।